आज सुनेंगे प्रेमचंद जी की दो छोटी छोटी कहानियाँ, बंद दरवाज़ा और नेकी। मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। आइए कहानी शुरू करते हैं। बंद दरवाज़ा। सूरज क्षितिज की गोद से निकला बच्चा पालने से, वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था, बच्चे ने दरवाजे से झांका, मैंने मुस्कुराकर पुकारा, वह मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गईं, कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर। मैंने गोद से उतार दिया, वह मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा, घर में न गया, दरवाजा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का यह नया सामान था, वह उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी न डरी, बच्चे ने समझा अब यह परदार खिलौना हाथ आ गया, बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई, निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं, दरवाजा खुला हुआ था। गर्म हलवे की मीठी पुकार आई, बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोंचे वाला सामने से गुजरा, बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों ज्यों खोंचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गई, यहाँ तक कि जब मोड़ आ गया और खोंचे वाला आंख से ओझल हो गया तो रोष ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीज़ें बच्चों को नहीं खाने देता, बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं। आम तौर पर बच्चे ऐसी हालातों में माँ से अपील करते हैं, शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया, दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे जमाने की दौलत मिल गई, उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई। एकाएक दरवाजा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज बच्चे के कानों में आई, उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वह व्यस्तता तत्क्षण लुप्त हो गई, उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था। दूसरी कहानी, नेकी। सावन का महीना था, रेवती रानी ने पांव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी सवारी और तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा जी आज भी मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामणि की पत्नी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज्यादा लाभ न देखकर लक्ष्मी देवी की पूजा करनी शुरू की थी। लेन देन का कारोबार करते थे, मगर और महाजनों के विपरीत खास खास हालतों के सिवा 25% से ज्यादा सूद लेना उचित न समझते थे। रेवती की सास बच्चे को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। रेवती, नहीं अम्मा, कुछ देर न लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती के दो बच्चे थे, एक लड़का दूसरी लड़की। लड़की अभी गोद में थी और लड़का हीरामन 7वें साल में था। रेवती ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नजर लगने से बचाने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए, गुड़िया पीटने के लिए एक अच्छी रंगीन छड़ी दे दी और अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली। कीरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट था, नीलगु घटाएं छाई हुई थी। औरतें 16 सिंगार किए सागर के खुले हुए हरे भरे सुंदर मैदान में सावन की रिमझिम वर्षा की बहार लूट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे, कोई झूला झूलती, कोई मल्हार गाती, कोई सागर के किनारे बैठी लहरों से खेलती। ठंडी ठंडी खुशगवार पानी की हल्की हल्की फुहार, पहाड़ियों की निखरी हुई हरियावल, लहरों के दिलकश झकोले मौसम को ऐसा बना रहे थे कि उसमें संयम टिक न पाता था।
आज गुड़ियों की विदाई है, गुड़ियां अपनी ससुराल जाएंगी। कुवारी लड़कियां हाथ पांव में मेहंदी रचाए, गुड़ियों को गहने कपड़े से सजाए उन्हें विदा करने आई हैं। उन्हें पानी में बहाती हैं और छक छक कर सावन के गीत गाती हैं। मगर सुख चैन के आंचल से निकलते ही इन लाड प्यार में पली हुई गुड़ियों पर चारों तरफ से छड़ियों और लकड़ियों की बौछार होने लगती है। रेवती यह सैर देख रही थी और हीरामन सागर की सीढ़ियों पर और लड़कियों के साथ गुड़िया पीटने में लगा हुआ था। सीढ़ियों पर काई लगी हुई थी, अचानक उसका पाँव फिसला तो पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मार कर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम में वहां मर्दों और औरतों का ठट लग गया, मगर यह किसी की इंसानियत तकाजा न करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचाएं। सवारे हुए बाल ना बिखर जाएंगे, धुली हुई धोती ना भीग जाएगी। कितने ही मर्दों के दिलों में यह मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजर गए मगर कोई आदमी हिम्मत करता नजर ना आया। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी, अचानक उधर से एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला जाता था। यह भीड़ देखकर उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, एक लड़का डूब गया है। मुसाफिर कहाँ? तमाशाई, जहाँ वह औरत खड़ी रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपनी गाढ़े की मिर्जई उतारी और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि यह आदमी कौन है। उसने पहला गोता लगाया, लड़के की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो उसकी छड़ी हाथ में लगी और तीसरे गोते के बाद जब ऊपर आया तो लड़का उसकी गोद में था। तमाशाइयों ने जोर से वाह वाह का नारा बुलंद किया। माँ दौड़कर बच्चे से लिपट गई। इसी बीच पंडित चिंतामणि के और कई मित्र आ पहुंचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आधा घंटे में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर लड़का 2 मिनट पानी में रहता तो बचना असंभव था। मगर जब लोग अपने गुमनाम भलाई करने वाले को ढूंढने लगे तो उसका कहीं पता न था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए, सारा मेला छान मारा, मगर वह नजर न आया। 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामणि का कारोबार रोज बरोज बढ़ता गया। इस बीच में उसकी माँ ने 7 यात्राएं की और मरी तो ठाकुर द्वारा तैयार हुआ। रेवती बहू से सास बनी। लेन देन बही खाता हीरामणि के हाथ में आया। हीरामणि अब एक हृष्ट पुष्ट लंबा तगड़ा नौजवान था, बहुत अच्छे स्वभाव का, नेक। कभी कभी बाप से छिपाकर गरीब असामियों को यों ही कर्ज दे दिया करता। चिंतामणि ने कई बार इस अपराध के लिए बेटे को आंखें दिखाई थी और अलग कर देने की धमकी दी थी। हीरामणि ने एक बार एक संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपया चंदा दिया। पंडित जी उस पर ऐसे क्रुद्ध हुए कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ऐसे अप्रिय प्रसंग आए दिन होते रहते थे। इन्हीं कारणों से हीरामणि की तबीयत बाप से कुछ खिंची रहती थी। मगर उसकी ये सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थी। जब कस्बे की गरीब विधवाएं या जमींदार के सताए हुए असामियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरामणि को आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती तो उसे ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज्यादा भाग्यवान और मेरे बेटे से ज्यादा नेक आदमी दुनिया में कोई न होगा। तब उसे बरबस वह दिन याद आ जाता जब हीरामणि कीरत सागर में डूब गया था और उस आदमी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके दिल की गहराई से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता कि उसे देख पाती तो उसके पांव पर गिर पड़ती। उसे अब पक्का विश्वास हो गया था कि वह मनुष्य न था बल्कि कोई देवता था। वह अब उसी खटोले पर बैठी हुई जिस पर उसकी सास बैठती थी, अपने दोनों पोतों को खिलाया करती थी। आज हीरामणि की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए यह दिन साल के दिनों में सबसे अधिक शुभ था। आज उसका दया का हाथ खूब उदारता दिखलाता था और यही एक अनुचित खर्च था जिसमें पंडित चिंतामणि भी शरीक हो जाते थे। आज के दिन वह बहुत खुश होती और बहुत रोती
और आज अपने गुमनाम भलाई करने वाले के लिए उसके दिल से जो दुआएं निकलती वह दिल और दिमाग की अच्छी से अच्छी भावनाओं में रंगी होती थी। उसी दिन की बदौलत तो आज मुझे यह दिन और यह सुख देखना नसीब हुआ है। एक दिन हीरामणि ने आकर रेवती से कहा, अम्मा श्रीपुर नीलाम पर चढ़ा हुआ है, कहो तो मैं भी दाम लगाऊं। रेवती, 16 आना है। हीरामणि, 16 आना अच्छा गांव है, न बड़ा न छोटा, यहां से 10 कोस है। 20,000 तक बोली चढ़ चुकी है, 100-200 में खत्म हो जाएगी। रेवती, अपने दादा से तो पूछो। हीरामणि, उनके साथ 2 घंटे तक माथा पच्ची करने की किसे फुर्सत है। हीरामणि अब घर का मालिक हो गया था और चिंतामणि की एक न चलने पाती। वह गरीब अब ऐनक लगाए एक गद्दे पर बैठे अपना वक्त खासने में खर्च करते थे। दूसरे दिन हीरामणि के नाम पर श्रीपुर खत्म हो गया। महाजन से जमींदार हुए अपने मुनीम और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने चले। श्रीपुर वालों को खबर हुई, नए जमींदार का पहला आगमन था। घर घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरामणि गांव में दाखिल हुए। दही और चावल का तिलक लगाया गया और 300 असामी पहर रात तक हाथ बांधे हुए उनकी सेवा में खड़े रहे। सवेरे मुख्तारे आम ने असामियों का परिचय कराना शुरू किया। जो असामी जमींदार के सामने आता वह अपनी बिसात के मुताबिक 1 या 2 रुपए उनके पांव पर रख देता। दोपहर होते होते 500 रुपयों का ढेर लगा हुआ था। हीरामणि को पहली बार जमींदारी का मजा मिला, पहली बार धन और बल का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज्यादा तेज ज्यादा घातक धन का नशा है। जब असामियों की फेहरिस्त खत्म हो गई तो मुख्तार से बोले, और कोई असामी तो बाकी नहीं है। मुख्तार, हाँ महाराज अभी 1 असामी और है, तखत सिंह। हीरामणि, वह क्यों नहीं आया। मुख्तार, जरा मस्त है। हीरामणि, मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा, जरा कोई उसे बुला लाए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया और दंडवत करके जमीन पर बैठ गया, न नजर न नियाज। उसकी यह गुस्ताखी देखकर हीरामणि को बुखार चढ़ाया। कड़क कर बोले, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा है, एक एक की हेकड़ी भुला दूंगा। तखत सिंह ने हीरामणि की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर कभी किसी ने इस तरह घुड़की नहीं दी। यह कहकर उसने लाठी उठाई और अपने घर चला आया। बूढ़ी ठकुराइन ने पूछा, देखा जमींदार को कैसे आदमी है। तखत सिंह, अच्छे आदमी है, मैं उन्हें पहचान गया। ठकुराइन, क्या तुमसे पहले की मुलाकात है। तखत सिंह, मेरी उनकी 20 बरस की जान पहचान है, गुड़ियों के मेले वाली बात याद है ना। उस दिन से तखत सिंह फिर हीरामणि के पास ना आया। 6 महीने के बाद रेवती को भी श्रीपुर देखने का शौक हुआ। वह और उसकी बहू और बच्चे सभी श्रीपुर आए। गांव की सब औरतें उससे मिलने आई, उनमें बूढ़ी ठकुराइन भी थी। उसकी बातचीत सलीका और तमीज देखकर रेवती दंग रह गई। जब वह चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठकुराइन कभी कभी आया करना, तुमसे मिलकर तबीयत बहुत खुश हुई। इस तरह दोनों औरतों में धीरे धीरे मेल हो गया। यहाँ तो यह कैफियत थी और हीरामणि अपने मुख्तारे आम के बहकावे में आकर तखत सिंह को बेदखल करने की तरकीबें सोच रहा था। जेठ की पूर्णमासी आई, हीरामणि की सालगिरह की तैयारियां होने लगी। रेवती छलनी में मैदा छान रही थी कि बूढ़ी ठकुराइन आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ठकुराइन हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। ठकुराइन, तुम्हारा न्योता सिर आंखों पर। कौन सी बरसगांठ है। रेवती, 29वीं। ठकुराइन, नारायण करे अभी ऐसे ऐसे 100 दिन तुम्हें और देखने नसीब हो। रेवती, ठकुराइन तुम्हारी जबान मुबारक हो, बड़े बड़े जंतर मंतर किए हैं तब तुम लोगों की दुआ से यह दिन देखना नसीब हुआ है। यह तो 7वें ही साल में थे कि इनकी जान के लाले पड़ गए। गुड़ियों का मेला देखने गई थी, यह पानी में गिर पड़े।
बारे एक महात्मा ने इसकी जान बचाई। इनकी जान उन्हीं की दी हुई है। बहुत तलाश करवाया, उनका पता ना चला। हर बरस गांठ पर उनके नाम से 100 रुपए निकाल रखती हूँ। 2000 से कुछ ऊपर हो गए हैं। बच्चे की नीयत है कि उनके नाम से श्रीपुर में एक मंदिर बनवा दे। सच मानो ठकुराइन, एक बार उनके दर्शन हो जाते तो जीवन सफल हो जाता, जी की हवस निकाल लेते। रेवती जब खामोश हुई तो ठकुराइन की आंखों से आंसू जारी थे। दूसरे दिन एक तरफ हीरामणि की सालगिरह का उत्सव था और दूसरी तरफ तखत सिंह के खेत नीलाम हो रहे थे। ठकुराइन बोली, मैं रेवती रानी के पास जाकर दुहाई मचाती हूँ। तखत सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी नहीं। अषाढ़ का महीना आया। मेघराज ने अपनी प्राणदायी उदारता दिखाई। श्रीपुर के किसान अपने अपने खेत जोतने चले। तखत सिंह की लालसा भरी आंखें उनके साथ साथ जाती, यहाँ तक कि जमीन उन्हें अपने दामन में छिपा लेती। तखत सिंह के पास एक गाय थी, वह अब दिन के दिन उसे चराया करता। उसकी जिंदगी का अब यही एक सहारा था। उसके उपले और दूध बेचकर गुजर बसर करता, कभी कभी फाके करने पड़ जाते। यह सब मुसीबतें उसने झेली, मगर अपनी कंगाली का रोना रोने के लिए एक दिन भी हीरामणि के पास न गया। हीरामणि ने उसे नीचा दिखाना चाहा था, मगर खुद उसे ही नीचा देखना पड़ा। जीतने पर भी उसे हार हुई। पुराने लोहे को अपने नीच हठ की आंच से न झुका सका। एक दिन रेवती ने कहा, बेटा तुमने गरीब को सताया, अच्छा ना किया। हीरामणि ने तेज होकर जवाब दिया, वह गरीब नहीं है, उसका घमंड मैं तोड़ दूंगा। दौलत के नशे में मतवाला जमींदार वह चीज तोड़ने की फिक्र में था जो कहीं थी ही नहीं, जैसे नासमझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तखत सिंह ने ज्यों त्यों करके काटा। फिर बरसात आई, उसका घर छाया न गया था। कई दिन तक मूसलाधार मेह बरसा तो मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहां बंधी हुई थी, दबकर मर गई। तखत सिंह को भी सख्त चोट आई। उसी दिन से बुखार आना शुरू हुआ। दवा दारू कौन करता, रोजी का सहारा था वह भी टूटा। जालिम बेदर्द मुसीबत ने कुचल डाला। सारा मकान पानी से भरा हुआ, घर में अनाज का एक दाना नहीं। अंधेरे में पड़ा हुआ कराह रहा था कि रेवती उसके घर गई। तखत सिंह ने आंखें खोली और पूछा, कौन है? ठकुराइन, रेवती रानी है। तखत सिंह, मेरे धन्य भाग, मुझ पर बड़ी दया की। रेवती ने लज्जित होकर कहा, ठकुराइन, ईश्वर जानता है मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो तकलीफ हो मुझसे कहो, तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमसे खबर तक न की। यह कहकर रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की झनकार सुनकर तखत सिंह उठ बैठा और बोला, रानी, हम इसके भूखे नहीं हैं, मरते दम गुनहगार न करो। दूसरे दिन हीरामणि भी अपने मुसाहिबों को लिए उधर से जा निकला। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया। उसके दिल ने कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर, अब क्या हाल है? ठाकुर ने धीरे से कहा, सब ईश्वर की दया है, आप कैसे भूल पड़े। हीरामणि को दूसरी बार हार खानी पड़ी। उसकी यह आरजू कि तखत सिंह मेरे पाँव को आंखों से चूमे अब भी पूरी ना हुई। उसी रात को वह गरीब, आजाद, ईमानदार और बेगरज ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़ी ठकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम का शरीक और उसके मरने पर आंसू बहाने वाला न था। कंगाली ने गम की आंच और तेज कर दी थी। जरूरत की चीजें मौत के घाव को चाहे ना भर सके, मगर मरहम का काम जरूर करती हैं। रोटी की चिंता बुरी बला है। ठकुराइन अब खेत और चरागाह से गोबर चुन लाती और उपले बनाकर बेचती। उसे लाठी टेकते हुए खेतों को जाते और गोबर का टोकरा सिर पर रखकर बोझ से हांफते हुए आते देखना बहुत ही दर्दनाक था। यहाँ तक कि हीरामणि को भी उस पर तरस आ गया। एक दिन उन्होंने आटा, दाल, चावल थालियों में रखकर उसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर गई।
मगर बूढ़ी ठकुराइन आंखों में आंसू भरकर बोली, रेवती, जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं, मुझे और मरने वाले को गुनहगार न करो। उस दिन से हीरामणि को फिर उसके साथ अमली हमदर्दी दिखाने का साहस न हुआ। एक दिन रेवती ने ठकुराइन से उपले मोल लिए। गांव में पैसे के 30 उपले बिकते थे। उसने चाहा कि इससे 20 ही उपले लूं। उस दिन से ठकुराइन ने उसके यहां उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियां दुनिया में कितनी हैं? क्या वह इतना ना जानती थी कि एक गुप्त रहस्य जबान पर लाकर मैं अपनी इन तकलीफों का खात्मा कर सकती हूं? मगर फिर वह एहसान का बदला ना हो जाएगा? मसल मशहूर है, नेकी कर और दरिया में डाल। शायद उसके दिल में कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया। यह वजादार आन पर मरने वाली औरत पति के मरने के बाद 3 साल तक जिंदा रही। यह जमाना उसने जिस तकलीफ से काटा, उसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कई दिन निराहार बीत जाते। कभी गोबर ना मिलता, कभी कोई उपले चुरा ले जाता। ईश्वर की मर्जी, किसी का घर भरा हुआ है, खाने वाले नहीं। कोई और रो रो कर जिंदगी काटता है। बुढ़िया ने यह सब दुख झेला, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हीरामणि की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की सुहानी आवाज सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पूड़ियां पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की। घी की मोटे ब्राह्मणों के लिए, तेल की गरीब भूखे नीचों के लिए। अचानक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठकुराइन जाने कैसी हुई जाती है, तुम्हें बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा, आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया मर न रही हो। यह सोचकर वह बुढ़िया के पास न गई। हीरामणि ने जब देखा अम्मा नहीं जाना चाहती, तो खुद चला। ठकुराइन पर उसे कुछ दिनों से दया आने लगी थी, मगर रेवती मकान के दरवाजे से उसे मना करने आई। ये रहमदिल, नेक मिजाज, शरीफ रेवती थी। हीरामणि ठकुराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला था और जान निकलने की हालत उस पर छाई हुई थी। हीरामणि ने जोर से कहा, ठकुराइन, मैं हूं हीरामणि। ठकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से उसे अपना सिर नजदीक लाने को कहा। फिर रुक रुक कर बोली, मेरे सिराहने पिटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई हैं, मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है, यह दोनों प्रयागराज भेज देना। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरामणि ने पिटारी खोली तो दोनों चीजें हिफाजत के साथ रखी हुई थी। एक पोटली में 10 रुपये भी रखे हुए मिले। यह शायद जाने वाले का सफर खर्च था। रात को ठकुराइन के कष्टों का हमेशा के लिए अंत हो गया। उसी रात को रेवती ने सपना देखा। सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं। मैं कीरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरामणि पानी में फिसल पड़ा। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी पानी में कूदा और हीरामणि को निकाल लाया। रेवती उसके पाँव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं श्रीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम तखत सिंह है। श्रीपुर अब भी हीरामणि के कब्जे में है, मगर अब रौनक दोबाला हो गई है। वहाँ जाओ तो दूर से शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है। जिस जगह तखत सिंह का मकान था, वहाँ वह शिवाला बना हुआ है। उसके सामने एक पक्का कुआ और पक्की धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं और तखत सिंह का गुण गाते हैं। यह शिवाला और धर्मशाला दोनों उसके नाम से मशहूर हैं। कहानी खत्म। ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग बाय सोनिया अडवाणी। अब विदा दीजिए, जल्द लौटूंगी। नमस्कार।